गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण की पुस्तक संस्कार व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूं। आपको मैंने वाक्यांश वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ाया था और आज मैं आप लोगों को शुद्ध वर्तनी करेक्ट स्पेलिंग आपको पढ़ाने जा रहा हूं। भाषा में विभिन्न ध्वनियों को वर्णों के माध्यम से लिपिबद्ध कर शब्द का रूप दिया जाता है। भाषा में विभिन्न ध्वनियों को वर्णों के माध्यम से लिपिबद्ध कर शब्द का रूप दिया जाता है। शब्दों को छात्र प्रायः जैसा सुनते हैं वैसा ही लिख देते हैं। शब्दों को छात्र जैसा सुनते हैं वैसा ही लिख देते हैं। किसी शब्द का उच्चारण अशुद्ध होने पर प्रायः उसे अशुद्ध ही लिख दिया जाता है। इस प्रकार शब्द की वर्तनी बिगड़ कर अशुद्ध हो जाती है। यहां कुछ ऐसे ही शब्दों का संग्रह किया गया है जिन्हें छात्र किसी ना किसी प्रकार से अशुद्ध लिख देते हैं। इन शब्दों का अभ्यास करके वर्तनी में सुधार किया जाता है। विभिन्न ध्वनियों को वर्णों के माध्यम से लिपिबद्ध कर दिया जाता है। शब्दों को छात्र प्रायः जैसा सुनते हैं वैसा ही लिख देते हैं। किसी शब्द का उच्चारण अशुद्ध होने पर प्रायः उसे शुद्ध ही लिख दिया जाता है। इस प्रकार शब्द की वर्तनी बिगड़ कर अशुद्ध हो जाती है। यहां कुछ ऐसे ही शब्दों का संग्रह दिया गया है जिन्हें छात्र किसी न किसी प्रकार से अशुद्ध लिख देते हैं। इन शब्दों को का अभ्यास करके वर्तनी में सुधार किया जाता है। श्रुत लेख के समय शब्द का उच्चारण ध्यान से सुनना चाहिए। शुद्ध उच्चारण के साथ ही पढ़ना और शुद्ध रूप में ही लिखना चाहिए। बातचीत करते बच्चे, कॉपी पर लिखता बच्चा अशुद्ध रूप ओ वाह छ छ देश देश शांति शांति मूली मूर्ति 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 चाहिए चाहिए त्योहार त्योहार सड़क सड़क आश्चर्य आश्चर्य भूमि भूमि हृदय हृदय समुंदर लोग सुनते हैं समुंदर लेकिन सही में लिखाता है समुंद्र आसान लेकिन होता है आसान मनुष्य शायर या मूर्धन्य शायर होना चाहिए प्रतीक्षा प्रतीक्षा ऐसे लिखानी चाहिए मुश्किल मुश्किल ऐसे होना चाहिए रास्ता 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 लिखाना चाहिए चूर्ण चूर्ण आंख आंख ऊंट ऊंट विद्यालय विद्यालय उज्ज्वल उज्ज्वल श्रीमती श्रीमती नींबू नींबू नाखून नाखून भगत भग त्रिभुज त्रिभुज कवि कवि सामान सामान बाजार बाजार स्कूल स्कूल शेष 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 प्रणाम प्रणाम नमस्कार नमस्कार आवाज आवाज घंटा घंटा
वचन वचन, रोटी रोटी, लोटा लोटा, मशीन मशीन, पानी पानी, आना आना। आपको यानी कि हम लोग गांव समाज में कहीं भी सुनते हैं समुंदर समुंदर में पानी समुंदर में पानी, हम लोग समुंदर लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, समुंदर नहीं समुंद्र, आसान आसान अ सा न नहीं आ सा न आसान। हम जब तक ले उसका उच्चारण सही नहीं करेंगे हम उसको सही सही नहीं लिख पाएंगे। रास्ता नहीं रास्ता, रास्ता क्या होता है रास्ता। मूर्ति मूर्ति ऐसे होना चाहिए। सड़क 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 होना चाहिए। हृदय नहीं हृदय, विद्यालय विद्यालय होना चाहिए। उज्ज्वल सही से लिखना चाहिए। वचन वचन नहीं वचन वचन। लोटा 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 लिखना चाहिए। स्कूल नहीं स्कूल। शेष शेष। सामान सामान। भगत भगत भक्त। नकुन नकुन नाखून। यानी हमको जो है सही सही हमें उच्चारण करेंगे तभी हम सही सही उसको हम लिख पाएंगे। इसीलिए हमारी ये शुद्ध वर्तनी चैप्टर या बच्चों को काफी हद तक सिखाता है कि हमें किस तरह से उच्चारण करना चाहिए और कैसे हमको लिखना चाहिए। आगे क्लास में इससे ज्यादा भी पढ़ेंगे। अभी आपके इस क्लास तक में ये दिया गया है। हम अपने गांव समाज घर में भी हम शुद्ध उच्चारण करने का काम करेंगे तभी हमारे घर परिवार विद्यालय में बच्चे और अधिक सुधार पाएंगे और उसको भविष्य में फिर दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हमें शुद्ध बोलना शुद्ध उच्चारण करेंगे तभी हम शुद्ध रूप से उसको हम लिख पाएंगे। इसलिए अब आप इसको सीख करके आएंगे निश्चित रूप से और अपने घर के बड़े सदस्यों से कहेंगे वे आपसे लिखवाएंगे और आप लिख करके सही सही उनको दिखाएंगे। और कल ये आपको बनाना है, आप इसे अवश्य बना लाएंगे। धन्यवाद।